आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तराखंड का एक पौराणिक घर जो कि मरोड़ा गांव में स्थित है। यह मेरे बुआ का ससुराल है, तो यहाँ पे सभी गर्मियों के टाइम पे छुट्टियाँ मनाने आ रखे हैं हम सभी। तो मुझे लगा क्यों ना इस घर की एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसके खंभे जो है लकड़ियों से बने हुए हैं, जिसको तिबरी कहते हैं। तो इसकी कलाकृति देख सकते हैं आप, क्या डिज़ाइन है इसके। तो ये जो घर है, ये मेरी बुआ के जो ससुर थे उन्होंने बनवाया था, और ये घर 1973 में बनाया गया था। तो यहाँ पे मेरे बुआ के जो ससुर हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो अंदर से आपको दिखाता हूँ किस प्रकार ये घर। तो ये लकड़ियों से बना हुआ है जो सपोर्ट दे रहा है घर को, और आप ये देख सकते हैं सामने ये जो गेट है ऊपर देख सकते हो, कोई सीढ़ी नहीं यहाँ पे चढ़ने के लिए। इसको ढेपरा कहते हैं, जो कि हर कमरे के ऊपर होता है, उसका रास्ता भी कमरे से ही निकलता है। तो इस कमरे से ये जो ढेपरे का रास्ता है वो है, दिखाता हूँ आपको। तो ये सीढ़ियाँ जो है ये भी लकड़ी से बनाई गई है, देखो कितनी पतली लकड़ी है, सिर्फ आधे पैर की जगह है, वो भी एक पैर का आधा पैर। तो इसमें मैं चढ़ के आपको दिखाता हूँ ऊपर किस प्रकार से होता है ढेपरा। तो ये रहा, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे हम चार पांच, मतलब चार बंदे आराम से आ सकते हैं। और यहाँ पे पहले खाना बनाया जाता था, बुआ लोग बता रहे थे कि ये जो चूल्हा है नीचे, तो यहाँ पे खाना बनाते थे वो कभी। और तो यहाँ पे आराम से हम चार पांच जने भी रह सकते हैं, पर अब कोई रहता नहीं अब गांव में, तो अब ये बंद ही रहता है। तो नीचे कुछ इस प्रकार है और ऊपर देखिए ये इस प्रकार। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा अपने जीवन में। तो अब मैं उतरने की कोशिश करता हूँ, जो कि मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है अब। और यहाँ दीदी बता रही है कि ऐसे उतर उल्टा होके, अब उल्टा कैसे हूँ हम कोशिश करते हैं। तो चलो उतर गया फाइनली। तो मतलब इतना छोटा है कि मतलब मेरा आधा, क्या आधे, कभी आधा पैर आ रहा है इसे, बहुत मुश्किल था चढ़ना। तो अब ये देखे सामने, ये है एक खिड़की टाइप है, मतलब कमरे के अंदर ही इसको बना रखा है, तो एक तरीके से अलमारी है ये। और ये जो है दूसरे कमरे का ढेपरा है, ये आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे पेंट वगैरह भी हो रखा है सही से, तो ये चमका रखा है, साफ सुथरा भी है। तो देखिए यहाँ पे लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर रखी है, और हमारे पुरानी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो वो भी, अरे ये देख सकते हो पतीला कितना बड़ा है। तो ये है ये कमरा, इसके ऊपर था ये वाला ढेपरा। तो बाहर आपको दिखाता हूँ मैं, यह तिबरी,
एक, और यहाँ पे ऊपर देखिए सभी लकड़ियों से बना हुआ है ज़्यादातर सब जगह। और ये तीसरा डेरा जो बंद है, और इसमें यहाँ पे थोड़ा स्टोर रूम टाइप का होगा शायद। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये घर देख के। हमारा भी है ऐसा हॉल टाइप का, ये हॉल टाइप का ही होता है इसको, तो ये तिवरी है। तो इस प्रकार का है ये घर, और रात का नज़ारा भी दिखा देते हैं आपको।